हेलो, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है यूट्यूब चैनल इतिहास तरंग में। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की होने की वजह से जो वीडियो शेड्यूल किया गया था लाइव स्ट्रीमिंग का, संभवतः काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि नए स्ट्रीम की वीडियो से जुड़े और मैं इसको आपके ग्रुप पे मैसेज भी करता हूं। जिस वीडियो को हमने स्ट्रीमिंग के लिए 6:15 पर निर्धारित किया था, किसी तकनीकी कारणों की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक नया शेड्यूल बनाया गया है। कृपया उस नए शेड्यूल से आप लोग जुड़े। और चलिए, बहुत लेट हो चुकी है, हम अपने टॉपिक पे चल रहे हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करेंगे। सत्रह सौ उन्नीस से 1748 के बीच में हम आपसे मोहम्मद शाह रंगीला, जो मुगल सम्राट था, उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। कल 1719 तक का इतिहास हमने आपके सामने रखा था और 1719 तक के इस इतिहास में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि औरंगजेब के देहांत के पश्चात किस तरीके से लोग जो हैं वो परेशान हुए और दरबार में दलीय राजनीति प्रारंभ हुई। और दलीय राजनीति के प्रारंभ होने के बाद शासकों को बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हेलो गुड इवनिंग नए उस पे क्या कहते हैं नए वीडियो पे जो है वो यूट्यूब पे जुड़ो। हाँ, नए मतलब एक नया शेड्यूल बनाया हूँ ना, वो काम नहीं कर रहा है वो। हाँ, तो आज हम उसी के अंतर्गत 1719 के बाद के जो मुगल सम्राट रहे हैं उन सम्राटों की एक संक्षिप्त जीवनी आपके सामने रखूंगा, उनके संक्षिप्त शासनकाल का विवरण आपके सामने रखेंगे और उस काल की महत्वपूर्ण घटनाओं को भी आपके सामने रखने का हम प्रयास करेंगे। जिन शासक की हम चर्चा आज करेंगे उसमें नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 से 1748 एक लंबा पीरियड है, लेकिन इस लंबे पीरियड के बावजूद भी 28-30 साल का यह लंबा पीरियड है, इसके बावजूद भी इस शासक के शासनकाल में कोई ऐसा काम नहीं है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी इसका शासनकाल 28-30 वर्षों तक चलता रहा, तो इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ ऐसी बात होगी जिसकी वजह से इतने लंबे समय तक शासन करने में सफल हुआ। क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि मात्र 6-7 वर्षों में 4 शासक आए और चले गए। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से इतने लंबे समय तक यह शासन करने में सफल रहा? तो दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह था, इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर यह था कि वास्तव में जब शासक बिल्कुल निकम्मा होता है और वह शासन के कार्यों में रुचि नहीं लेता है, सब कुछ वह अपने दरबारी सरदारों के ऊपर, अमीरों के ऊपर छोड़ देता है, तो फिर उसका विरोध करने वाला कोई नहीं होता है और फिर विद्रोह की जो संभावनाएं हैं वो छिड़ हो जाती हैं, वो समाप्त हो जाती है। मोहम्मद शाह रंगीला के पूरे शासनकाल को हम इसी कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं। इसके शासनकाल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है वो नादिर शाह के आक्रमण से जुड़ी हुई है, जो 1739 की घटना है, जिसकी चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे। पहले हम आपसे
मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में रंगीला के अपने व्यक्तित्व पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह का शासक था। देखिए फर्रुख शेर के देहांत के पश्चात शायद बंधुओं ने मुगल बादशाह की मुगल राजगद्दी पर बादशाह के रूप में मोहम्मद शाह नाम के व्यक्ति को आसीन कराया, जो इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से विख्यात हुआ। वह बहादुर शाह प्रथम का छोटा बेटा था और उसके विषय में कहा जाता है कि इससे पहले दिल्ली के सिंहासन पर उससे अधिक लापरवाह सम्राट कभी नहीं बैठा था। बाद में भी शासक हुए, पहले भी शासक थे, लेकिन शायद मुगल शासकों के इतिहास में इससे ज्यादा लापरवाह और बेपरवाह सम्राट, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, कि और कोई शासक नहीं था। जिस समय वह राजगद्दी पर बैठा उस समय उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी और इसीलिए 17 वर्ष की अल्प आयु में, अवयस्क आयु में उसने अपना अधिकांश समय महल की चार दीवारी में व्यतीत किया और महल की चार दीवारी में उसका जो समय व्यतीत होता था वो हरम के जो हिजड़े होते थे, हिजड़ों के साथ उसका समय व्यतीत होता था। हरम की जो स्त्रियां थी उन स्त्रियों के साथ ऐशो आराम में उसका समय व्यतीत होता था। किसी ने, उसके माँ बाप ने या उसके जो वंश के लोग थे, किसी ने उसकी शिक्षा पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था और शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि वह दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन शायद उसका सौभाग्य था कि वह दिल्ली के राज सिंहासन पर मुगल बादशाह की हैसियत से आसीन हुआ। काफी बुद्धिमान होने के बावजूद भी एक सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसने अपनी सुधी कभी भी नहीं, अपने विवेक को इस्तेमाल करने का प्रयास उसने अपने किस कभी भी 30 के शासनकाल में नहीं। वह एक उदार प्रवृत्ति का शासक होने के साथ साथ, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, कि वह एक डरपोक व्यक्ति भी था और अस्थिर मन का भी व्यक्ति था। वह विलासी, सुस्त, अशोभनीय, जितने भी आप अवगुण गिना सकते हैं उस तरह के सभी अवगुण वाली आदतों का वह व्यसनी था। किसी बात का निर्णय स्वयं न करना उसने अपने जीवन का नियम बना लिया था। वह हमको कोई फैसला नहीं लेना, और जब शासक कोई फैसला नहीं लेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि राज दरबार की गतिविधियां पूर्णतः सरदारों और अमीरों के चंगुल में चली जाए। यह काम उसने अपने चहेतों पर छोड़ दिया। वह राजनीति के खेल में जो जिस तरह से दलित राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ था 1712 के बाद से और जिस तरह से गुटों का दौर चल रहा था मुगल दरबार में, तो इतिहासकार मानते हैं कि वह राजनीति के खेल के आरंभिक नियमों से पूरी तरह अपरिचित था। कोई जानकारी नहीं थी कि राजनीति होती क्या है और खेल की बात यह भी है कि वह उसे जानने के लिए कभी उत्सुक भी नहीं रहा। मोहम्मद शाह के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद शाह राज्य के मामलों में कोई रुचि नहीं लेता था और अपने चहेतों के बीच घिरा हुआ वह अपना समय व्यर्थ के कामों में व्यतीत करता था। उसने सब कुछ मीर मोहम्मद अमीन खान के बेटे और उसके वजीर कमरुद्दीन पर छोड़ दिया। उसके शासनकाल में जो वजीर के पद पर जो व्यक्ति आसीन था उसका नाम था कमरुद्दीन, और दुर्भाग्यवश वजीर भी ऐसा जो सम्राट को टक्कर दे, यानी वह भी सुस्त काम को टालने वाला और विलासी व्यक्ति था। जैसा सम्राट वैसा वजीर। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल जब प्रारंभ होता है तो ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में वास्तव में कोई सरकार थी ही नहीं और आवश्यकता पड़ने पर प्रांतीय सरकारों को केंद्र से कोई सहायता ही नहीं मिलती थी। प्रांतीय सरकारें अपने आप में स्वतंत्र थी, अपने अपने मन की बातों को सुनते थे और वो अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्रता का अनुसरण करते थे या उसका पालन करते थे। स्थिति और भी विकट तब हमें दिखती है जब मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में नादिर शाह जैसा धनी व्यक्ति अफगानिस्तान के लिए खतरा बन गया पहले, और काबुल के गवर्नर ने जब सहायता मांगी मोहम्मद शाह रंगीला से तो उसके
इस प्रार्थना पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मुगल दरबार के ना तो सम्राट ने ध्यान दिया, ना तो उसके वजीर ने ध्यान दिया, ना तो मीर बख्शी ने। प्रमुख अमीर कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार ही नहीं थे। और दूसरी तरफ से मराठों का हमला जो दक्षिण में से दिल्ली में हो रहा था, मराठों का भी सामना करने के लिए कोई भी दरबारी, दरबार का कोई अमीर सरदार तैयार नहीं। यानी दो तरफ से खतरे मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में दिखते जा रहे थे, लेकिन आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अपनी दुनिया में रमा हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला। एक समय ऐसा आया कि जोधपुर के राजा ने मुगल सत्ता से अपने आप को अलग करने का प्रयास किया और विद्रोह किया, और जब जोधपुर के राजा के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया मोहम्मद शाह रंगीला से, उसके दरबारियों ने कहा, तो उसने तरह तरह के बहाने गढ़ने शुरू कर दिए, और जिसका परिणाम अंततः न केवल विनाशकारी हुआ बल्कि मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए भी जिम्मेदार। धीरे धीरे बहुत से प्रांत स्वतंत्र हो गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुर्शिद कुली खां और अरब में सादात खान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। दक्कन के निजाम ने अपना निजी राजवंश स्थापित कर लिया। मोहम्मद शाह रंगीला ही वह शासक है जिसके शासनकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उड़ीसा मुगल साम्राज्य से अलग हो गया और यहां पर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने का श्रेय दिया गया मुर्शिद कुली खां को। अवध, जिसको आज आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, यह उत्तर प्रदेश भी स्वतंत्र हो गया। सादात खान नाम के व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश को मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। आप इमेजिनेशन कीजिए कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश निकल जाए तो मुगल साम्राज्य के साम्राज्य क्षेत्र में क्या बसता है। दक्षिण भारत के जो निजाम थे उन्होंने अपने निजी राजतंत्र स्थापित कर लिया। देखते ही देखते ये विघटन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसका लाभ हर व्यक्ति, हर प्रांत का सूबेदार उठाने लगा और यहां तक कि गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों पर एक तरह से मराठों ने कब्जा कर लिया। यानी गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड भी मुगल साम्राज्य से निकल गए। तो आप कह सकते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल तक आते आते मुगल साम्राज्य पूरी तरह से विघटित हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में यह भी है कि राजगद्दी पर बैठने के बाद पूरे एक वर्ष तक मोहम्मद शाह रंगीला सैद बंधुओं के हाथों में वास्तव में कैदी बना रहा। सैद बंधुओं की जब मृत्यु हो गई तो उससे मुक्त तो हुआ हो गया, लेकिन इसके बाद वह दूसरी जगह कैद हो गया और वह कैद खाना कहाँ था? राज दरबार का हरम। राज दरबार के जो हरम में हिजड़े थे, जो हरम की स्त्रियां थी, उनके बीच उसका पूरा समय व्यतीत होने लगा। हरम की एक स्त्री को मोहम्मद शाह ने सरकारी दस्तावेजों पर शाही मोहर लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। सोचिए, वो किसी फरमान पर वो मोहर भी अपने हाथ से नहीं लगा पाता था या उसकी मोहर नहीं लगती थी, बल्कि हरम की एक स्त्री के जिम्मे यह जिम्मेदारी सौंपी गई। राज्य के समस्त राजकोषों पर नियंत्रण दे दिया गया था उस हरम की स्त्री को। और जैसा कि इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला इतने के बावजूद भी अफसोस करता था इस बात को लेकर कि वह औरत औरत क्यों थी, वह पुरुष क्यों नहीं थी, क्योंकि यदि वह पुरुष होती या पुरुष होता तो उसे वजीर का पद भी दिया जा सकता था, उसे वजीर बनाया जा सकता था। इतना प्रेम था उस महिला से, उस हरम की स्त्री से। उस स्त्री के चार भाइयों को राज दरबार में ऊंचे ऊंचे पद दिए गए और जागीरों से जितनी आय होती थी उसमें से 25 लाख रुपए उस स्त्री को प्रति वर्ष दिए जाते थे उसके खर्च के लिए। तो प्रशासन तंत्र तो जो ध्वस्त हुआ वो हुआ ही, जो मुगल राजकोष की जो स्थिति थी उस स्थिति का भी एक सहज आकलन किया जा सकता है कि किस स्तर का यह शासक था। इसके बारे में कोई शब्द हमारे पास नहीं है जिस शब्द से हम इस शासक को विभूषित कर सकें या उसे हम कोई उपमा दे सकें।
इसीलिए सार्वजनिक मामलों के प्रति उसकी जो उदासीनता थी और उस उदासीनता के विपरीत सुरा और सुंदरियों के चंगुल में फंसे रहने के कारण या सुरा और सुंदरियों में तल्लीनता के कारण उसे इतिहास में मोहम्मद शाह नाम के आगे रंगीला शब्द जोड़ दिया गया है और इतिहास में वह मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से लिखा। ये पूरा घटना चक्र है पूरे 30 वर्षों का जो उसके शासनकाल की जो विशिष्टताएं थी उसकी हमने एक रूपरेखा आपके सामने रखी। इस 30 वर्षों के शासनकाल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है वो है नादिर शाह का आक्रमण जो 1739 में हुआ। आइए नादिर शाह के आक्रमण पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है 1739 में नादिर शाह का हिंदुस्तान पर आक्रमण। नादिर शाह 1736 ईस्वी में ईरान का शासक बना था, एक महत्वाकांक्षी शासक था और अपने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने के उद्देश्य से उसने पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में भयंकर आक्रमण किया। पूर्व में तुर्कों के साथ भी उसका आक्रमण हुआ, तुर्कों के साथ भी उसका टकराव हुआ और उसके बाद उसने कांधार को जीतने का फैसला भी किया और इसी जीत के इरादे से मार्च 1738 ईस्वी में उसने धावा बोलकर कांधार पर कब्जा कर लिया, परंतु धन की कमी ने उसके विजयों के मार्ग में बाधाएं प्रस्तुत कर दी। इस प्रकार अपने खजाने को समृद्ध बनाने के लिए उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जिस समय की हम चर्चा कर रहे हैं उस समय हिंदुस्तान अपनी समृद्धता के लिए जाना जाता था, हालांकि मुगल राज को शापरिक्त होता हुआ देख रहे हैं लेकिन भारत में जो धन संपदाएं थी वो राजकोष में कम, जो भारत के मंदिर थे वो मंदिर धन संपदा के सबसे बड़े केंद्र बिंदु थे और सदियों से यही मंदिर और उसके धन कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमणकारियों को प्रभावित कर रहे हैं। तो एक तरह से अपने खजाने को समृद्ध बनाने के लिए उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की योजना बनाई और प्रारंभिक चरण से ही उसकी महत्वाकांक्षा मुगल साम्राज्य की जर्जर और दयनीय राजनीतिक अवस्था से लाभ उठाने की थी। वो देख रहा था कि मुगल साम्राज्य जो है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, राजनीतिक हालात बहुत ही खराब है और यही वो सही समय है जब इस विघटित हो रहे मुगल साम्राज्य पर चोट किया जा सकता है और उसका लाभ उठाया जा सकता है। तो इस तरीके से धन प्राप्ति की लालसा और भारत की कमजोर राजनीतिक दशा ने उसे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया, उसे प्रलोभित। देखिए यूं तो मध्यकाल का जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि मध्यकाल में उत्तर पश्चिम सीमा से हिंदुस्तान पर न जाने कितनी बार आक्रमण हुए हैं और इन आक्रमणकारियों में चंगेज खान, तैमूर लंग जो बहुत विध्वंसकारी आक्रमणकारी माने जाते हैं, उससे पहले की आप बात करते हैं तो गजनबी और गोरी के भी नाम आते हैं। तो इस तरह से भारत पर बहुत सारे आक्रमण हुए हैं और जब हम भारत पर विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला उठाते हैं उसी आक्रमण की एक कड़ी में नादिर शाह का आक्रमण भी विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है, क्योंकि उसने भी अपने आक्रमण द्वारा भारत की तात्कालिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर गहरा आघात डाला। मध्य एशिया से इन आक्रमणकारियों के अनेक कारण थे भारत पर आक्रमण करने के लिए और जैसा कि हमने आपसे कहा कि सबसे बड़ा फैक्टर तो यही था कि भारत की समय जो राजनीतिक दशा थी वो बहुत ही जर्जर थी, बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही कमजोर थी और इसके अलावा यहाँ का धन वैभव सारे जग में विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ के धन वैभव ने भी इन आक्रमणकारियों को आकर्षित किया था।
नादिर शाह का आक्रमण भी पिछली योद्धाओं के आक्रमण की श्रृंखला की अगली कड़ी थी। और जैसा कि इतिहासकार कहते हैं कि यद्यपि प्रारंभ में मुगल सम्राट की राजनीतिक और कूटनीतिक गलतियां न की गई होती तो शायद यह आक्रमण संभव नहीं था, शायद नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिलता। भारत के इतिहास में इतिहासकारों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि नादिर शाह एक नरसंहारी, निर्दयी, बर्बर, नर मुंडों की श्रृंखला बनाने वाला एक अत्याचारी था। नर मुंडों की श्रृंखला मतलब वो लोगों के शरों को काटकर मालाएं बनाकर वो हाथ में लेकर चलता था। काहे के लिए भाई? लोगों में दहशत पैदा करने। जब कांधार की तरफ वह बढ़ा था तो अफगान बाद जो लोग थे वो भागकर धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि मुगल दरबार के क्षेत्र की तरफ वो पलायन करने लगे थे। और इन्हीं अफगान बागियों को शरण न देने की नादिर शाह ने बार बार अपील की थी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से संदेश वाहकों के माध्यम से। लेकिन बार बार के संदेश के बावजूद भी जब मुगल सम्राट ना मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला या उसके इस याचना की बार बार उपेक्षा की गई, तो यही उपेक्षा हिंदुस्तान पर आक्रमण का तात्कालिक कारण बन गया। जब कांधार की घेरेबंद शुरू हो गई थी तब भी मुगल अधिकारियों ने पश्चिमी सीमा को शरणार्थियों के लिए बंद करने के लिए कुछ नहीं किया। जब ईरान के राजदूत ने स्वयं उपस्थित होकर अपने स्वामी का विरोध पत्र मोहम्मद शाह को दिया तो सीधा उत्तर देने के स्थान पर नादिर शाह की इस स्पष्ट हिदायत के बावजूद कि उसे 40 दिन से अधिक न रुकने दिया जाए, लेकिन नादिर शाह ने उस राजदूत को 40 दिन से ज्यादा समय तक के लिए रोक दिया। क्यों? क्योंकि नादिर शाह के उस दूत को जवाब देने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला के पास फुर्सत नहीं थी, नाच गाने और हरम की स्त्रियों के साथ मौज मस्ती करने से। मोहम्मद का जैसे और भी मैसेंजर इसके पहले भेजे जा चुके थे मुगल दरबार में, उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं नादिर शाह के सामने रखी थी, लेकिन वहां पर भी उन दूतों को भी कोई सटीक उत्तर न मिलना बल्कि उनकी जगह पर उसको टालने वाले उत्तर मिले थे, जिस बात से नादिर शाह बहुत क्रोधित हुआ। और नादिर शाह ने क्रोध की अग्नि में फिर से अंतिम बार संदेश वाहकों को भेजा मुगल राज दरबार। इस बार इन दो ईरानी संदेश वाहकों की हत्या दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कर दी गई। किसने किया ये किसी को नहीं पता है, लेकिन इन संदेश वाहकों की हत्या का जब समाचार नादिर शाह को मिलता है तो नादिर शाह मुगल सम्राट को सबक सिखाने का निश्चय कर लेता है और इस तरह से नादिर शाह के भारत पर अभियान प्रारंभ। नादिर शाह ने अपने हिंदुस्तान के अभियान के लिए कांधार का प्रयोग एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में किया। वह पहले गजनी पहुंचा, गजनी से चलकर वह काबुल पर पहुंचा, काबुल को उसने अपने कब्जे में किया। काबुल में आने के बाद जब काबुल के जो विद्रोही लोग थे वो भागकर जब मुगल दरबार में शरण लेने लगे तो उसने मुगल सम्राट के पास जो संदेश भिजवाया था उस संदेश में उसने यही कहा था कि उसका एकमात्र लक्ष्य बागी अफगानों को सजा देना है, प्रदेश जीतने का वह कोई इरादा नहीं रखता।
वह मुगल सम्राट के साथ मित्रतापूर्ण संबंध के लिए भी इच्छा जाहिर की थी और इसीलिए उसने एक राजदूत फाइनली अंतिम समय में दिल्ली भेजा था, लेकिन दिल्ली से कुछ दूर पाकिस्तान के जलालाबाद की पहाड़ियों में उसकी हत्या कर दी गई। नादिर शाह ने बड़ी निर्दयता के साथ इस हत्या का बदला लिया और जलालाबाद के कस्बे को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पेशावर और काबुल के जो गवर्नर नासिर खां था, उसने मुगल बादशाह के पास लिखित चेतावनी भेजी और रसद सामग्री और सैनिकों को भेजने की अपील की, लेकिन मुगल दरबार में षड्यंत्रों, लापरवाही और उपेक्षा का जो बोलबाला था, इस कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई और नासिर खां के पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। नादिर शाह जलालाबाद से आगे बढ़ता हुआ पेशावर की ओर चल पड़ा और नासिर खां ने अपनी कोशिशों से इस ईरानी सेना का मुकाबला करने के लिए 20,000 अफगानी सैनिकों के साथ मुठभेड़ किया, लेकिन नादिर शाह के सामने उसकी सेना टिक नहीं सकी। नादिर शाह ने उसे पराजित किया और नासिर खां और उसके अनेक अधिकारियों को कैद कर लिया। इसके बाद भारत की सीमाओं की तरफ आगे बढ़ते हुए वह लाहौर के पास तक पहुंचा, जहां पर लाहौर के गवर्नर सूबेदार ने 20,00,000 रुपये करते हुए अपने तमाम हथियार सहित सरेंडर कर दिया और बदले में हाथियों के एक दल को उसने नजराने के रूप में भेंट किया नादिर शाह को। 12 दिन तक लाहौर में नादिर शाह टिका रहा, फिर लाहौर से सरहिंद होता हुआ 16 फरवरी 1739 को नादिर शाह सरहिंद होते हुए अंबाला की ओर चल पड़ा। अंबाला से उसने अजीमाबाद और उसके बाद करनाल नामक शहर की ओर उसने कूच किया, जहां से वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर सकता था। जब सेनाएं सरहिंद पहुंच गई पंजाब में, तो मुगल सम्राट की चेतना जगी। मुगल दरबार के जो अमीर थे, जो जमींदार थे, जो सरदार थे, तब जाकर उनकी आंखें खुली। मुगल बादशाह ने तुरंत सादात खां को अवध से बुलाकर अभियान पर भेजने का निश्चय लिया, लेकिन उसको आने में देर हुई। उसको आने से पहले ही मुगल बादशाह ने उसकी प्रतीक्षा करने के स्थान पर निजामुल मुल्क, जो दक्षिण का कभी सूबेदार हुआ करता था, उसके साथ सेनाओं की एक टीम भेज दिया सरहिंद की ओर नादिर शाह के सैनिकों का सामना करने के लिए, और इस प्रकार दोनों की सेनाएं करनाल नामक स्थान पर आमने सामने खड़ी हो गई। हरियाणा में करनाल एक शहर का नाम है, वहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। जैसा कि इतिहासकार यहां मानते हैं कि इस समय मुगल सम्राट की सेना में लगभग 75,000 सैनिक शामिल थे। तब तक सादात खान भी अपने दस्तों के साथ आ पहुंचा और जब वो यहां आया तो ऐसी स्थिति में ईरानी सेना ने सादात खान के समस्त सामानों को, समस्त दस्तों को पूरी तरह से लूट लिया। जब सादात खान के सारे दस्ते लूट लिए गए तो सादात खान को विवश होकर नादिर शाह के सैनिकों पर हमला करना पड़ा और 24 फरवरी 1739 को एक छोटी सी लड़ाई की शुरुआत हुई करनाल नामक स्थान पर। इतिहास में यही घटना करनाल के युद्ध के नाम से जानी जाती है।
24 फरवरी 1739 को यह करनाल का युद्ध हुआ। एक तरफ नादिर शाह की सेना, दूसरी तरफ सादात खान के नेतृत्व में मुगल सम्राट की सेना। इतिहास में यह करनाल के युद्ध के नाम से विख्यात है। नादिर शाह की सेना ने सादात खान के बहुत से सैनिकों का कत्लेआम कर डाला। सादात खान स्वयं घायल हो गया और घायल होने के बाद उसे कैद कर लिया गया। जो मोहम्मद शाह का वजीर था कमरुद्दीन, और जिसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी निजामुल मुल्क, जब इस तरह के नरसंहार को उन लोगों ने देखा तो लड़ने के स्थान पर हाथ धरकर एक दूसरे को देखते रहे। जो कुछ भी घटनाएं उनके सामने घटित हो रही थी, यानी वो मूक दर्शक बन गए थे। मतलब मुगल सेना सदमे में आ गई थी ईरानी सेनाओं के इस अभियान की वजह से, ईरानी सेनाओं के इन कत्लेआम की वजह से। गहरे दबाव के नीचे दबी शाही सेनाओं को कोई सहायता किए बिना उसकी कमान के नीचे वाला जो हिंदुस्तानी हिस्सा था वो बिना लड़े ही अंत समय तक सही सलामत बना रहा। यहां तक कि निजामुल मुल्क जैसा व्यक्ति यह मानकर चल रहा था कि नादिर शाह की सामरिक चाल के आगे उसका लड़ना बेकार है। अब बताइए, जब सेनापति ही यह सोच ले कि दूसरे की चाल के आगे हम लड़ नहीं सकते हैं, तो फिर रण क्षेत्र में क्या होगा एक सहज अनुमान आप कर सकते हैं। जब सादात खान चूंकि कैद कर लिया गया था, सादात खान को नादिर शाह के सामने लाया गया तो उसने किए गए प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई के साथ दिया, और उसने नादिर शाह पर यह प्रभाव जमा दिया कि मोहम्मद शाह के पास अभी भी विशाल संसाधन है जिससे वह बराबरी के स्तर पर लड़ाई जारी रख सकता है। उधर निजामुल मुल्क, जब सादात खान से वार्तालाप होने लगी नादिर शाह की, तो निजामुल मुल्क घबरा गया कि कहीं मेरे कान न भर दे या नादिर शाह के खिलाफ। तो निजामुल मुल्क ने नादिर शाह के पास प्रस्ताव भेजा बातचीत के लिए, और नादिर शाह ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। निजामुल मुल्क को बुलाया गया, नादिर शाह के सामने बातचीत हुई। ईरानी शिविर में दोनों के पक्ष बातचीत होने लगी और नादिर शाह और निजामुल मुल्क के बीच भी समझौता हो गया। नादिर शाह और निजामुल मुल्क के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौते के मुताबिक नादिर शाह की सेना को अब दिल्ली नहीं जाना था। इसके बदले में 50 लाख रुपए का हर्जाना नादिर शाह को देने का वादा किया था निजामुल मुल्क ने। और जैसा कि इतिहासकार कहते हैं कि समझौता की सूचना जब मोहम्मद शाह रंगीला को दी गई, तो मोहम्मद शाह रंगीला ईरानी शिविर में पहुंचा, जहां बड़ा सम्मान और शिष्टाचार के साथ उसका स्वागत किया। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला करनाल में ईरानी शिविर में कैसे जा सकता था? जो व्यक्ति अपने हरम से बाहर नहीं निकलता था वो मिलने के लिए कैसे चला जाए? बहरहाल, इसी बीच बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को जो समझौता उसने किया था नादिर शाह के साथ, उससे खुश होकर निजामुल मुल्क को मीर बख्शी का खिताब दे दिया, मीर बख्शी का पद दे दिया, यानी प्रधान सेनापति का पद दे दिया। अब सादात खान को यह बात बहुत बुरी लगी। सादात खान ने इसका विरोध किया क्योंकि वह स्वयं मीर बख्शी बनना चाहता था, और इस तरीके से निजामुल मुल्क के प्रति जो एक उदारता दिखाई थी मोहम्मद शाह रंगीला ने, उससे क्रुद्ध होकर सादात खान ने नादिर शाह पर यह प्रभाव डाला कि उसके साथ निजामुल मुल्क ने धोखा किया है, क्योंकि 50 लाख रुपए से कहीं ज्यादा आप धन कमा सकते हैं यदि आप दिल्ली जाएंगे तो। उसने कहा कि भाई आप खुद दिल्ली जाइए और पूरी धन का आप मालिक बन जाइए, आप क्यों 50 लाख लेने पर लगे हुए हैं? कि कौन कह रहा था ये? सादात खान ने नादिर शाह से कहा। नादिर शाह ने सादात खान के सुझाव को स्वीकार कर लिया।
और इस तरीके से निजामुल मुल्क को जब दोबारा ईरानी शिविर में आमंत्रित किया गया और नादिर शाह के अधीन सेवा करने के लिए 20,000 घुड़सवारों के अतिरिक्त 20 करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया तो निजामुल मुल्क घबरा गया। सादात खान के कहने पर इतनी बड़ी डिमांड की गई, क्योंकि वो इतनी बड़ी डिमांड देगा नहीं तो दिल्ली पर जाने का उसे अवसर मिले। तो कहां 50 लाख और कहां 20 करोड़। जब निजामुल मुल्क ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता प्रकट की तो उसे भी कैद कर लिया गया और इस तरीके से नादिर शाह कहीं ना कहीं शाही राज दरबार की ओर निकल पड़ने के लिए उत्सुक हो गया। नादिर शाह 12 मार्च 1739 को करनाल से निकल पड़ा और 20 मार्च 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया। नादिर शाह ने दीवाने खास के निकट महल में डेरा डाला और ये वही दीवाने खास था जहां पर शाहजहां रहा करता था। 20 मार्च को वह दिल्ली पहुंचता है और 21 मार्च 1739 को दिल्ली की सभी मस्जिदों में नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है, उसके नाम के सिक्के डालने की घोषणा कर दी जाती है। और आप जानते हैं ना कि खुतबा पढ़ना और सिक्के डालना एक स्वतंत्र शासक के लक्षण है। शादात खान ने चूंकि ये सारी बातें कही थी तो ऐसी स्थिति में शादात खान को जब लगा कि भाई अब तो हम इतनी बड़ी रकम 50 करोड़ रकम तो राज दरबार में होगा भी नहीं तो हम कैसे दिला पाएंगे, तो इस डर से नादिर शाह के डर से सादात खान ने आत्महत्या भी कर लिया। और जब उसकी जब उसने आत्महत्या की तो 22 मार्च 1739 को शहर में एक अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की असमय मौत हो गई, मर कोई और रहा है। अफवाह नादिर शाह के बारे में दिल्ली की बाजारों में दिल्ली की सड़कों पर फैल गया। यह घटना है 22 मार्च 1739 को। किसी ने भी सच की जांच करने की चिंता नहीं की और लोगों के झुंड अनेक स्थानों पर इकट्ठे होते चले गए और ईरानी सैनिकों पर हमले करने लगे, क्योंकि उनका लीडर नादिर शाह उनकी दृष्टि में मारा जा चुका था। लगभग 3,000 ईरानी सैनिकों को लोगों ने ही मार डाला दिल्ली में। भीड़ इस कदर उग्र हो चुकी थी। जैसे ही यह बात नादिर शाह के कान तक पहुंची, नादिर शाह ने दंगों की रिपोर्ट पर तो भरोसा ही नहीं किया कि उसके 3,000 आदमियों को मार डाला गया है और यह अफवाह फैला दी गई कि स्वयं मैं मर चुका हूं। इस बात की वास्तविकता का पता लगाने के लिए स्वयं नादिर शाह घोड़े पर बैठता है और दिल्ली की सबसे मशहूर गली चांदनी चौक की गलियों में होकर वह गुजरता है। जब चांदनी चौक की गलियों से वह गुजरने लगता है तो भीड़ उसके ऊपर भी हमला करती है और इसी हमले से नादिर शाह क्रोधित हो जाता है। इस घटना से गुस्से में लाल होकर नादिर शाह ने दिल्ली के निवासियों के कत्लेआम का हुक्म अपने सैनिकों को जारी कर दिया। और इस प्रकार जैसे ही नादिर शाह ने यह हुक्म जारी किया, दिल्ली की सड़कों पर ईरानी सैनिकों का जो कत्लेआम प्रारंभ हुआ वो जैसा कि इतिहासकार कहते हैं कि पूरा 12 घंटा तक चलता रहा। पूरे 12 घंटे तक कत्लेआम का दौर चला और जदुनाथ सरकार, जो भारत के बहुत एमिनेंट हिस्टोरियन है, उनके अनुसार लगभग 20,000 भारतीयों की हत्या उस 12 घंटे के दरमियान दिल्ली की सड़कों पर की गई। और यह कत्लेआम सिर्फ एक दिन तक नहीं चला, 6 घंटे से लेकर 12 घंटा तक तो नादिर शाह ने कहा था, इसके बाद भी लंबे समय तक यह कत्लेआम चलता। और जैसा कि इतिहासकार जदुना सरकार ही कहते हैं कि 7 दिनों तक यह कत्लेआम चलता रहा और लगभग 1,40,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया दिल्ली और उसके आसपास के। लाशों के ढेर कई दिनों तक चांदनी चौक की गलियों में पड़े रहे, लाश सड़ते रहे, प्रत्येक स्थान पर लूट मार होती रही। और इस तरीके से जो घटना आप देख रहे हैं 22 मार्च 23 मार्च से शुरू हो रही है वो 15 मई तक घटती रही। 15 मई तक कुल मिलाकर 57 दिन नादिर शाह दिल्ली में रहा।
और इतना व्यापक भीषण नरसंहार चलाकर, कत्लेआम का दौर चलाकर अंततः 57 दिन के बाद नादिर शाह दिल्ली से वापस जाने का फैसला करता है। यह जो कत्लेआम का दौर चला, इस कत्लेआम के दौर में मोहम्मद शाह रंगीला जैसा शासक दिल्ली छोड़कर गुजरात भाग जाता है और गुजरात में जाकर शरण लेता है। बहुत दिनों तक गुजरात में समय व्यतीत करने के बाद जब वो आश्वस्त हो जाता है कि नादिर शाह वापस अपने क्षेत्र लौट गया है, तब जाकर वो फिर राजगद्दी प्राप्त करने के लिए दिल्ली आता है। और दिल्ली, आप सोचिए कि दिल्ली के राज सिंहासन पर कोई दावेदार नहीं था। इतना डर, इतना खौफ था नादिर शाह के इस आक्रमण का। बहरहाल जाते जाते लगभग 70 करोड़ रुपया कैश, प्रसिद्ध तख्ते ताऊस जो शाहजहां ने बनवाया था, जिस पर वो बैठा करता था, मयूर सिंहासन, मयूर के आकार का बना हुआ, सोने से बना हुआ मयूर सिंहासन, उस सिंहासन में लगा हुआ कोहिनूर हीरा जो दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा डायमंड है, 117 किलो का वो डायमंड माना जाता है। आज वो बहुत टुकड़ों में टूट चुका है, लेकिन जिस समय था वो 117 किलो का एकमात्र डायमंड था। विभिन्न हीरे जवाहरात और अन्य बेशकीमती वस्तुएं लेकर नादिर शाह यहां से वापस अपने देश ईरान लौटे। इस तरह से नादिर शाह के आक्रमण का अंत होता है। अब आते हैं थोड़ा सा उसके इंपैक्ट पर, उसके प्रभाव पर। जहां तक नादिर शाह के आक्रमण के प्रभाव का प्रश्न है, यह समस्या कोई नई नहीं थी, लेकिन यह अभियान, यह आक्रमण एक भयानक प्रलय जैसा भी था, इससे कम कहीं भी नहीं था। जैसे आजकल के डेट में सुनामी आ जाती है और चारों तरफ आप तबाही ही तबाही देखते हैं, नादिर शाह का यह आक्रमण भी एक तरह से हिंदुस्तान, दिल्ली के लिए स्पेशली एक तबाही का ही मंजर लेकर आया था। इस अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर तबाही और लूटमार हुई और इसने मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से धूल धूसरित कर दिया। इस आक्रमण की ही देन है कि नादिर शाह के आक्रमण से प्रेरित होकर कुछ और विदेशी आक्रमणकारी, जिसमें सबसे प्रमुख है अहमद शाह अब्दाली, कुछ ही दिनों के बाद हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की योजना बनाता है और आक्रमण भी करने में सफल। भारत के या हिंदुस्तान के बहुत सारे राजनीतिज्ञों और राजनेताओं की नसों को एक तरह से इस घटना ने हिला दिया। फ्रांसीसी, इंग्लिश, डच व्यापारी, जो कंपनियां यहां काम कर रही थी, वो सारी कंपनियां यहां पर डर गई थी। फर्रुख शेयर के शासनकाल में फर्रुख शेयर ने ही यूरोपीय व्यापारियों में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दी थी, और देखते ही देखते फ्रांसीसी और डच या पुर्तगाली व्यापारी भी भारत में व्यापार करने लगे थे, लेकिन इस घटना ने इन सबको हिला डाला। यहां तक कि इसकी आग मराठा शासन तक पहुंची। मराठा शासक पेशवा बाजीराव, मराठा शासक पेशवा बाजीराव इतना चिंतित हो गया कि उसने पुर्तगालियों के विरुद्ध अपनी मुहिम छोड़ देने के लिए कहा। पुर्तगालियों के खिलाफ मराठा अभियान चला रहे थे, उनको निकाल, वो इतना इस घटना से घबरा गया कि उस मुहिम को उसने छोड़ देने के लिए अपने साथियों से कहा। आमेर के राजा जय सिंह ने अपने परिवार को उदयपुर डर की वजह से भेज दिया था। नादिर शाह के आक्रमण से हिंदुस्तान की वह चमक दमक और दौलत भी खत्म हो गई जिसने विदेशियों तक को चकाचौंध किया। अपने निकम्मेपन और अपने दुराचार के कारण कमरुद्दीन खान और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी तरह से मुगल साम्राज्य को धूल धूसरित कर डाला। जो राजनीतिक रिक्तता उभर कर सामने आई कि कई दिनों तक मुगल राजगद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं था, दहशत का आलम यह था कि राजनीतिक इस रिक्तता को भरने के लिए जो लोग भी आगे आ रहे थे, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे थे।
कष्ट और संघर्ष के वातावरण में कोई भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के योग्य नहीं था। एक प्रकार से नादिर शाह के आक्रमण ने पहले से लड़खड़ा रहे मुगल साम्राज्य को कठोर झटका दिया और इसके छिन्न भिन्न होने की प्रक्रिया को तेज कर। नादिर शाह की अकस्मात जीत ने मुगल बादशाह की सत्ता के खोखलेपन को बिल्कुल प्रकट कर दिया और प्रांतों के गवर्नरों को अपनी स्वतंत्रता पर बल देने पर प्रोत्साहित किया। भाई जब केंद्रीय शासक ही नहीं है तो बंगाल के या प्रांतों के सूबेदार गवर्नर क्या करें। मुगल बादशाह ने सिंध नदी के पश्चिम, पाकिस्तान में सिंध नदी बहती है, सिंध नदी के पश्चिम के समस्त इलाके नादिर शाह को सौंप दिए। मुगल साम्राज्य के लिए कम बड़ा नुकसान था। मुगल बादशाह ने न केवल पश्चिमी पंजाब बल्कि सिंध के खोए हुए जो प्रांत थे, काबुल जिस पर कब्जा किया था उसने, सिंध जिस पर कब्जा किया था नादिर शाह ने, ये सब परमानेंटली हिंदुस्तान की सीमा से बाहर निकल गए। एक तरह से उत्तर पश्चिमी दिशा से जो बार बार हिंदुस्तान पर आक्रमण हो रहा था, उस आक्रमणों की फिर एक बार कोल पट्टी खुल गई, फिर रास्ता खुल गया और धीरे धीरे बाह्य आक्रमणियों का एक लंबा श्रृंखला, एक लंबी दौर चल। एक तरह से मुगल साम्राज्य की कमजोरियों ने भविष्य में विदेशी आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान आने के लिए प्रोत्साहित किया। जहां तक आर्थिक रूप से नुकसान का सवाल है, नादिर शाह के आक्रमण ने आर्थिक रूप से हिंदुस्तान को निश्चित रूप से तबाह किया। नादिर शाह ने न केवल जीवन और संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश किया बल्कि अपने साथ हिंदुस्तान से जो 70 करोड़ कैश और न जाने जो बाकी आंकड़े आपको हमने बताया है, मयूर सिंहासन तक देता उसको हिजा, ये तो मतलब इनकी कोई कीमत ही नहीं थी। ये हिंदुस्तान की शान था, मुगलों की शान था, ये पूरी शान यहां से निकल पड़ा, हिंदुस्तान से बाहर निकल गया। विंसेंट स्मिथ जैसे ब्रिटिश इतिहासकार के शब्दों में हम कहें तो आबादी के सभी वर्गों से लगभग 3.5 शताब्दियों से जुड़ी दिल्ली की दौलत को इकट्ठा करने के लिए जो काम किया गया था वो सब खत्म। 350 साल से जो धन इकट्ठा हुआ था वो सारा धन लेकर चला गया नादिर शाह। नादिर शाह के इस आक्रमण और कत्लेआम ने 3 सदी पहले तैमूर लंग के हाथों हुए वैसे ही सर्वनाश की याद को ताजा कर दिया। भारत का भू क्षेत्र भारत के हाथ से, मुगलों के हाथ से निकला वो तो निकला ही निकला, बल्कि जो भारत के क्षेत्र में थे उन सूबों को भी मुगल साम्राज्य से अलग करने के लिए प्रेरणा देकर चला गया नादिर शाह का यानी मुगल साम्राज्य आप कह सकते हैं कि अनेक भागों में टूटकर बिखर गया और यह सब नादिर शाह के आक्रमण का ही परिणाम। केंद्रीय जो सत्ता थी वो जल्दी ही एक शैडो बन गई, एक छाया बन गई, प्रतीकात्मक मुगल साम्राज्य बनकर रह गया। भू क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, जब गौरव की बात करते हैं तो न भू क्षेत्र दिखता है न गौरव दिखता है, नाम सिर्फ बचा रहा कि हम मुगल साम्राज्य भारत में जीवित। और इस तरह से जो मुगल साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़ी वो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह। पहले भी आपने देखा कि अवध निकल गया, बंगाल निकल गया, उड़ीसा निकल गया, मालवा निकल गया, बुंदेलखंड निकल गया, तो बचा क्या। कुल मिलाकर इस प्रकार नादिर शाह मध्यकाल के उन आक्रमणकारियों में गिना जाता है जिसने अपने आक्रमण से हिंदुस्तान को न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और मानसिक गहरा आघात और नुकसान। ये था आपका नादिर शाह का आक्रमण और नादिर शाह के आक्रमण का परिणाम, मुगल साम्राज्य के शासकों की कमजोरी था, वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए आनन फानन में नया चढ़ना पड़ा। और फिर कल हम अपने समय पर 1748 के बाद के मुगल सम्राटों और हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल के लिए। थैंक यू।